हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पत्ते के औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये जो आप चौड़ा सा पत्ता देख रहे हैं ना, ये जो पत्ता है ये है अरंड का पत्ता, यानी अरंडी का पौधा। अरंडी के तेल के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन अरंडी का जो पत्ता होता है ना दोस्तों, वो कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकता है। चौड़ा चौड़ा सा दिखने वाला ये जो पत्ता होता है ना, नेचुरल रूप से इसी तरह से उगता है। अरंडी का चाहे पौधा हो, चाहे अरंडी की जड़ हो, चाहे अरंडी के बीज हो, कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं ना, उसी से अरंडी का तेल निकाला जाता है। बीज तो अभी नहीं है मेरे पास दोस्तों, क्योंकि इस सीजन में बीज नहीं आते हैं अरंडी के, लेकिन अरंडी का जो तेल होता है वो इन्हीं के इसी पत्ते के बीजों से निकाला जाता है। कई तरह के त्वचा रोगों को दूर करता है, बालों की समस्याओं को दूर करता है, कई तरह की शारीरिक तकलीफों को दूर करता है अरंडी का ये पौधा। इसे कैस्टर प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों। कैस्टर ऑयल इसी से निकाला जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है रिसिनस कम्युनिस, और भारत में कई जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ इसको क्या कहकर पुकारा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, अरंड का तेल और अरंड के पत्ते से आप उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसके जो फल होते हैं ना दोस्तों, वो कांटेदार होते हैं, थोड़े से गोल गोल से कांटेदार फल होते हैं इसके, लेकिन इन बीजों से अरंडी का तेल निकाला जाता है जो कि बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो अभी मैं आपको अरंडी के पत्ते का फायदा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है या फिर गांठ बन जाती है, तो और ये गांठ जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या करें, अरंडी के पत्तों को पीस लें। इस तरह से अरंडी के पत्तों की चटनी बना लें, उसको पीस लें, अच्छा इसको पीस लें दोस्तों। पीसने के बाद में आप उस स्थान पर लगाएं जहां पर आपको गांठ की सूजन की समस्या है। अगर आपकी गांठ नई नई है तो तुरंत ही बैठ जाएगी, और अगर पुरानी होती है तो पहले वो पक जाती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो इससे कुछ ही दिनों में आपकी जो सूजन है, गांठ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म में पेट के निचले हिस्से पर दर्द होता है ना, तो क्या करें, अरंडी के पत्ते पर सरसों का तेल लगा करके पेट पर बांधे। इससे मासिक धर्म में होने वाले दर्द में बहुत आराम मिलता है। शरीर में कहीं भी दर्द है, कहीं भी सूजन है, तुरंत ही ठीक हो जाती है अरंडी के पत्तों का पेस्ट लगाने से। इसका जो रस होता है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा आधा चम्मच अरंडी के पत्तों का रस पिला दें, पेट के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। दांतों के दर्द के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है दोस्तों ये अरंडी के पत्तों का रस। अगर आपको दांत में दर्द है ना, तो क्या करें, थोड़ी सी रुई ले लें छोटी सी, और उसको इस रस में डुबो दें और दोनों दांतों के बीच में रख लें। आप देखेंगे कि तुरंत ही दांतों का दर्द जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अरंडी का जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर आप थोड़ा सा अरंडी का तेल लगा लें। अरंडी का तेल नहीं है तो सरसों का तेल लगा लें। सरसों का तेल तो हर किसी के पास होता है, हर घर में होता है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल इसके दोनों तरफ से लगा लें अच्छे तरीके से। दोनों तरफ से आपको फैला करके सरसों का या अरंडी का तेल लगा लेना है, और इसके बाद में दोस्तों, इस पत्ते को आपको हल्का गर्म करना है। ये देखिए, मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। पत्ते को हम तवे पर हल्का हल्का सेक लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर आपको इसे सेक लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, उतना ही गर्म करें जितना आप सहन कर सकते हैं, जितना आप लगा सकते हैं। तो हल्का मैंने इसको गर्म कर लिया है। गर्म इसलिए करना है दोस्तों, क्योंकि हल्की हल्की आपको सिकाई मिलेगी इससे। जब सिकाई मिलेगी ना, तो तुरंत ही आपको जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द की समस्या है ना, सूजन की समस्या है, उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बहुत जल्दी आप उसमें खुद फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये जो पत्ता है ये हल्का गर्म हो चुका है। अब क्या करें, दर्द वाली जगह पर इसको अच्छे तरीके से लपेट लें। इस तरह से अच्छे से पत्ते को आपको लपेट लेना है। ये डंठल को मैं निकाल देती हूँ। डंठल को आप निकाल दें, पत्ते को अच्छे से लपेट लें। चाहे तो इसके ऊपर कोई कपड़ा बांध लें, सूती कपड़ा बांध लें, जिससे कि काफ़ी देर तक इसकी जो गर्माहट है वो बनी रहे। तो ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो आपको घुटनों के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। जोड़ों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, इस तरह से आप अरंडी के पत्ते का प्रयोग करें, 100% आपको तुरंत ही दर्द में आराम आ जाएगा। दोस्तों, बालों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है ये अरंडी के बीजों से निकला गया ये तेल। बालों में कैसे लगाना है दोस्तों, बालों में लगाते हैं ना, तो इसको आप प्योर ना लगाएं, इसको आप सिर्फ अरंडी का तेल ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत अधिक गाढ़ा होता है।
इसको आप किसी दूसरे तेल में मिक्स करके लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अरंडी का तेल ले लिया है, इसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें या फिर नारियल का तेल मिला लें, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा मिला लें, और उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से जड़ों में मसाज करें, बालों की जड़ों में इसकी अच्छे से मसाज करें। दोस्तों, बाल झड़ रहे हो, गंजेपन की समस्या हो, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, यहाँ तक कि नए बाल उगाने के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है ये तेल। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी बाहों पर बाल बहुत कम होते हैं, आईब्रोज के बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या सर पर बालों में गंजापन आने की समस्या शुरू हो जाती है, तो आप धीरे धीरे हल्के हाथों से रोजाना कुछ दिनों तक इसकी मसाज करेंगे ना, खुद आप अंतर महसूस करेंगे, खुद आप देखेंगे कि आपकी जो भौहें हैं इससे घनी हो जाती हैं। आप पलकों पर इसे लगा सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पलकें बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, तो पलकों पर भी आप एक बूंद अरंडी का तेल लगा करके मसाज करें, आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी जो पलकें हैं वो काली और घनी हो जाएंगी, सर के बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इतना अधिक फायदेमंद होता है बालों के लिए ये अरंड का तेल। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं रहता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है ना, तो अरंडी के तेल का सेवन करें। कैसे करना है? सुबह सुबह आप एक ग्लास हल्के गर्म पानी में एक चम्मच अरंडी का तेल मिला लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको सुबह सुबह खाली पेट पिएं। चाहे तो आप जूस के साथ में भी इसको ले सकते हैं, संतरे के जूस के साथ इसको ले सकते हैं, करौंदे के जूस के साथ इसको ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ 3 दिन ही आपको इसका प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रयोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप देखेंगे आपके पेट की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कब्ज की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है ये अरंडी का पौधा। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।